फैशन शो एक ऐसा शो होता है जहां पर बड़े बड़े मॉडल्स, बड़े बड़े डिजाइनर्स और बड़े बड़े लोग आते हैं। डिजाइनर्स और मॉडल्स मिलकर अपने टैलेंट का तजुर्बा दिखाते हैं और बड़े बड़े लोग उन्हें सराहते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग भी घर पर ही एक फैशन शो क्रिएट करें। क्या हम कर पाएंगे, चलिए देखते हैं। मैम ली, आपको क्या लगा? मैंने अपने आईब्रो सच्ची में काट लिए थे? वेल, सच्ची में मैंने काट लिए थे। वेल, इसकी हेल्प मेरी दीक्षा ने की है। थैंक यू दीक्षा, इतने मेरे आईब्रो फिक्स किए। How are you feeling? I'm feeling so good. Yeah, it's looking it's so like great. I'm back to normal. Family, पिछले व्लॉग में संजय के साथ क्या हुआ था ये आप जाकर देखे। ये देखो वो पिछला वाला व्लॉग, और संजय अपनी जुबान पर पक्का रहा। फैमिली, मैं हर व्लॉग में जब तक संजय के आईब्रोज नहीं आते तो मैं ऐसे बनाते रहूंगी जितना मेरे पास सामान है उसके साथ। Wow, thanks दीक्षा, that's so good. Bro, आप नहीं कर रहे कुछ? क्या नहीं कर रहे कुछ? आप कुछ नहीं कर रहे अपने छोटे भाई के लिए? तेरे लिए कुछ नहीं, तुझे क्या लगा? तो संजय दत्त, आपको कोई गिफ्ट चाहिए था, रिमेम्बर? हाँ जी, चाहिए था, चाहिए था। संजय को चाहिए था इसका मॉनिटर। यस, तो मैं कह रहा हूँ संजय को गिफ्ट, 240 Hz वाला मॉनिटर। अभी मतलब जब भी लॉकडाउन खुलेगा। क्या बात कर रहे हो? यस, अगर डिलीवरी जोन होगी तो भी ले सकता है। क्या बात कर रहे हो? यस, लेकिन उसके लिए जिन्होंने मेरी हेल्प की है वो है बिनानी ऐप। व्हाट इज बिनानी ऐप? गाइस, बिनानी ऐप इज अ ट्रेडिंग ऐप। All you have to do is register. बस register करो, that's it. So family, ये जो आपको graph दिख रहा है ना, ये कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। बस आपको क्या करना है, इसको predict करना है और बताना है कि ये कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है। और अगर आपने सही predict कर लिया तो पैसे जीतो। और फैमिली, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमने इनका लिंक दिया है हमारे डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं हमारे चैलेंज की तरफ। Let's go. तो फैमिली, आज हम करने जा रहे हैं फैशन शो, और ये है हमारा हाईवे। यस, ओए मामा, हाईवे नहीं होता, ये है हमारा रनवे जिस पे हम वॉक करेंगे। yes. अरे यार, रनवे नहीं होता ब्रो। क्यों दा? आपने प्लेन उड़ाना है, इसको कहते हैं रैंप, रैंप वॉक करने के लिए। यार, रैंप, रैंप वॉक करने के नहीं, कैसे चलते हैं, चल के दिखा। फैमिली, आपको इन नकली लोगों की तरह वॉक नहीं करना ब्रो, आप वॉक करके दिखाओ। मजा आ गया गाइस, इसे कहते हैं वॉकिंग, इसे कहते हैं फैशन शो की वॉकिंग। इसे फायदा होता गिफ्ट देने का। yes. अपनी तारीफें कराओ। yes. आज हम रैंप वॉक करने जा रहे हैं, कौन कौन कैसे कैसे आएगा, आइए इसका देखते हैं। और फैमिली, आपको तो पता है हर निकम्मे काम संजय की पीठ के पीछे होते हैं। यार ये क्या बात हुई यार, आज दीक्षा की पीठ के पीछे? नहीं नहीं नहीं, तेरी पीठ पे अलग ही चाम है। ये क्या बात, ये बंदा किसके कपड़े डिजाइन करेगा? दीक्षा, दीक्षा ढूंढ के करेगी, ढूंढ मेरे करेंगे, मैं दीक्षा करूंगा। डन डन, एंजॉय करो, एंजॉय करो। यस, रॉक पेपर सिजर करके देखते हैं। फैमिली, आप सोच रहे होंगे मैं दीक्षा का कैसे नाप लूंगा, मेरे को इंची टेप की भी जरूरत। ये देखो, 1 inch, 2 inch, 3 inch, 4 inch। ओह सॉरी, मैं गलती से दीक्षा का दिमाग ले लिया। इंच जो मेरे मॉडल है ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, सबसे हाईएस्ट अर्निंग मॉडल है ये, फिटिंग परफेक्ट के लिए, यू नो, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि आप यार, मैंने आपको कहा था मॉडल जैसे खड़े हो, क्या कर रहे हो ब्रो? तो जिसका डिस्क्रिप्शन दे रही है उसको बुलाया है? आप ही हो। अच्छा, मैं हूँ। हाँ, बस मेरी किट रेडी रखना। कौन सी किट? साला कोलैबोरेशन में से पैसे मांग। गाइस, मेरी ड्रेस भी उतनी असली होगी जितने असली हैं संजय के आईब्रोज। एक मिनट, मतलब कहने का मतलब क्या आपका? So guys, already आपने देख ही ली होगी ड्रेस इसकी थंबनेल में जो मैंने बनाई है। एक सेकंड, तेरे में इतना कैसे कॉन्फिडेंस है ब्रो कि तेरा ही थंबनेल लगने वाला है? बिकॉज दिखा, वो जो ड्रेस है ना, वो लिटरली इस बार ट्रेंडिंग भी चले, लिटरली हर एक बड़ा बड़ा बंदा ही कर रहा है। भाई भाई, तू ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है रहने दे। गाइस, आपको तो पता ही होगा आजकल मेरे दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं, मुझे गिफ्ट मिल रहे हैं, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लाइक्स मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि अपरिच भगवान है। इसको कोई चेस्ट बताओ, होती का है? ऐसे ये तो ऐसे ले रही है जैसे तू बड़े कटिंग करेगी। आलिया भट्ट की ड्रेस पड़ी थी, वो फेंक दे क्या? फेंक दो। अब कुछ नहीं, फेंक दो। आप परे हो, आलिया भट्ट की ड्रेस यूज कर लेते।
दीक्षा मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। इन 70 मिनट में तेरे को 70 राउंड लेने, 70 आगे लेने, 70 पीछे लेने, 70 लेते राउंड इतने लेने कि जब तक स्टेज से धक्का ना मार के निकालना दे। चुप कर जा ब्रो, तूने कुछ नहीं किया। तो भी मेरी इज्जत तेरे हाथ में। जो मैं करने वाली हूँ वो काफी डार्क और इंटेंस होने वाला है। फैमिली आप प्लीज ट्राई करना इस चीज को समझने का कि मैं क्या पोर्ट्रे करना चाहती हूँ। चाहे जो मर्जी हो जाए, ये लुक तुझे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएगी। ना इसके लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर तुझे बोला कि स्प्रिंग इज लुकिंग वेरी गुड। हम कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे। जो वेख के हसदी हसके फसदी दिल दिया गलायो आखनाल दसदी जद लक मटकावे मेरा साल ले जावे स्नैपचैट उते सारे फिल्टर लावे 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 मैम, अब मैं एक एक करके सबसे पूछने वाला हूँ। आपसे पहली शुरुआत करते हैं कि आपको कैसा लगा मेरा मॉडल और मेरा डिजाइन? आपका मॉडल भी बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया डिजाइन किया है आपने और अलग है बाकी जो डिजाइन करते हैं उससे अलग है। जिस पे आपने डिजाइन किया पहले आपने उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख के डिजाइन किया? जी यार, मुझे एक बात समझ नहीं आई जी कि 500 रुपए की अगरबत्ती लाया धुआं हुआ ही नहीं। सर जो बंदा डिजाइन किया आपको वो नहीं दिखा? यार कोट पहना डिजाइन किया उसके ऊपर तूने सारा वो माउस का जो क्या बोलते कीबोर्ड सारा चिपका दिया। सर क्योंकि वो ये इससे चिपका रहता है तो मैंने को लगा जो बंदा जिसका चिपका रहता है उसको उसका चिपका कर एक नया डिजाइन चिपका दो। आपने देखा मेरी फैमिली ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं, अब आपको कमेंट में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देने हैं। तो आपको अब कमेंट में लिखना है कि किसका सबसे अच्छा था। ओवर टू द नेक्स्ट कंटेस्टेंट। जदों लक मटकावे मेरा साल ले जावे स्नैपचैट उते सारे फिल्टर लावे 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 थैंक यू। आप सब लोग कह रहे हो कि कितना अच्छा काम किया मैंने, इतनी मेहनत लगी मेरे को, मुझे किसी की कमेंट्स की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी जीत चुका हूँ चैलेंज। चुप रहो, कुछ भी बोल रहा है, तो पिल्ला पकड़ा दिया। एक सेकंड, तू मेरे साथ क्यों नहीं ऐसे चल के आया? ओको की कीबोर्ड टूट गया था इसलिए। फैमिली मेरे को मॉडल बड़ा फुद्दू मिला। और अगर मैं आपकी मॉडल होती तो डूड मेरा मेकअप भी कर देते। इसे मैं ही समझो। अब हमारी बारी है ऑडियंस से पूछने की। मैं आपको कैसा लगा? अनबिलीवेबल, कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि पिल्लो के साथ भी इतनी अच्छी ड्रेस बन सकती है। वैसे ये आइडिया किसका था? मैम मेरा था ऑफ कोर्स। मैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये पिल्लो के साथ किसका आइडिया था बनाने का। मैम मेरा था ऑफ कोर्स। लगता नहीं है। आइडिया किसका था? मैम ऑफ कोर्स मेरा था। तेरा आइडिया लग नहीं रहा मेरे को। यार मैडम वीडियो देख लेना यार। सर आपका कैसा एक्सपीरियंस था? अनबिलीवेबल। ये आइडिया किसका था? पता नहीं यार। अरे सुन सुन, जब तू देख के हंस दी हंसके फस दी दिल दिया गलायो आखन वाले दस दी जद लक मटकावे मेरा साल ले जावे स्नैपचैट उते सारे फिल्टर लावे 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 लेट मी बी इन कैरेक्टर यार। मैं आई एम अ मॉडल पापा। हेलो, ये सबके लिए बज रही है तालियां। नहीं, ये क्या कहते हैं जो
जो मैंने डूड को ऐसे मेकअप करके रेडी किया उसके लिए। ओ नहीं, ये जो मैंने संजय को रेडी किया उसके लिए। ओ नहीं, जो मैंने दीक्षा को पिल्लो बनाया उसके लिए। नहीं, जिसके लिए मैंने डूडी को रेडी किया उसके लिए। फैमिली एक काम करो, आपको कमेंट करके डिसाइड करना है कि कौन डिजाइनिंग में सबसे अच्छा था, दीक्षा री या संजय। कि आप अगर हमारी इस वीडियो को देते हैं 121 के लाइक्स तो हम करेंगे फैशन शो का पार्ट 2, जिसमें हम डिजाइन करेंगे हमारे पेरेंट्स के कपड़े और वो बनेंगे रैंप वॉक पर मॉडल। मेरे लिए कपड़े लेके आना, मेरे लिए तकिए और सिरहाने सिरहुने मत लाओ। वो डिजाइनर पे आपको विश्वास रखना। मैं आपको बताऊं, आपके लिए मैंने ऑलरेडी सोची हुई है। परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। फ्री मोर लव ब्लॉग्स। कितना अच्छा डार्क चीज दिखाई है यार, मैंने दो पिल्लो जाके पढ़ो चलो।